नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल आर यूज्ड बाय सेंट्रल एटम ऑफ IClII+ ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, आयोडीन, क्लोरीन और क्लोरीन। आयोडीन की हम बात करें तो इसने दो बॉन्ड पेयर बनाए हैं और इसके पास कितने हैं? दो लोन पेयर हैं। और यहाँ पर इसके पास चार्ज क्या है? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन में क्या पार्टिसिपेट करता है? सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो हम देखें यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, और इसका शेप क्या हो जाएगा? वी या फिर बेंट शेप। तो यहां हमसे पूछा गया है डी ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हुए, क्या हाइब्रिडाइजेशन आया है हमारा यहाँ पर sp3, 1 2 3 4 sp3 आया है। तो डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट क्या है यहाँ पर? कितने डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं? 0 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। यदि यहाँ पर सपोज करो sp3d होता, सपोज करो sp3d होता, तो हम क्या बोलते हैं कितने डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्व है? 1 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। sp3d2 होता तो हम कितने बोलते हैं? 2 डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्व है। डी ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पर, डी ऑर्बिटल की। तो अभी गिवन मॉलिक्यूल की हम बात करें तो गिवन मॉलिक्यूल के अंदर डी ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व है? क्या है sp3d है क्या? नहीं है। तो कितने डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है? 0 डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आएगा, क्योंकि ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इज करेक्ट।